बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अतीक सदीक आपकी खिदमत में हाजिर है। आज हम बनाएंगे मसर। मसर कैसे बनाए जाते हैं और हमको क्या क्या चाहिए, आज आपके साथ में शेयर करता हूँ। मसर बनाना बहुत ही आसान है, बहुत ही ईजी है, आप भी बना सकते हैं इंशाल्लाह। 300 ग्राम मैंने मसर लिए, साबुत मसर। दो प्याज को काट लिया, हरे धनिया को काट लिया, 4 अदद हरी मिर्ची को काट लिया, 2 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट, थोड़ा सा अदरक काट लिया मैंने, एक टुकड़ा, 1 अदद टमाटर को मैंने काट लिया, आधा चम्मच लाल मिर्ची का है, आधा चम्मच हल्दी है, आधा चम्मच काली मिर्ची पीसी हुई, आधा चम्मच नमक, आधा चम्मच जीरा। चलिए देखते हैं कैसे बनाते हैं और आपके साथ मैं शेयर करता हूँ। एक मैंने पतीली ले ली है छोटी सी, ठीक है, उसमें डालेंगे 1 मसूर। माशाल्लाह, इसमें डालेंगे पानी, ऐड करेंगे पानी। बिस्मिल्लाह, मसर को उबालने के लिए मैं चूल्हे पे रख देता हूँ। जी प्यारे दोस्तों, चूल्हे पे रख दिए मैंने मसर को। जब तक मसर उबाइल होते हैं तब तक मैं अपना मसाला रेडी कर लेता हूँ। जी दोस्तों, कढ़ाई हमारी गर्म हो चुकी है भगोना। अब डालेंगे कुकिंग ऑयल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, हसबे ज़रूरत जितना आपको चाहिए, मुझे जितना चाहिए मैं डाल रहा हूँ, आपको जितना चाहिए आप डालना। जी अब डालेंगे कुकिंग ऑयल, गर्म हो गया, अब डालेंगे ज़ीरा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी दोस्तों, ज़ीरे के बाद डालेंगे प्याज। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, प्याज को अच्छे से ब्राउन करेंगे, सुनहरा करेंगे। अब डालेंगे लहसुन जो मैंने काटा था, थोड़ा थोड़ा अदरक, सॉरी। जी दोस्तों, हमारे मसर हो गए हैं माशाल्लाह, आप देख सकते हैं। अब मैंने इसका चूल्हा बंद कर दिया। जी दोस्तों, प्याज हमारा सुनहरी होना शुरू हो गया है। अब डालेंगे लहसुन अदरक का पेस्ट। बिस्मिल्लाह। जी दोस्तों, अब डालेंगे टमाटर। बिस्मिल्लाह। टमाटर के बाद डालेंगे हरी मिर्ची और अच्छे से भुनाई करेंगे इनकी। जी दोस्तों, अब डालेंगे धनिया और नमक। बिस्मिल्लाह। नमक बाद में चेक करेंगे, कम होगा तो और डालेंगे। जी दोस्तों, अब डालेंगे काली मिर्ची। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, लाल मिर्ची और हल्दी। अच्छे से मसाले की भुनाई करेंगे। जी दोस्तों, मसाले की अच्छे से भुनाई की है मैंने, ठीक है। अब डालेंगे थोड़ा सा पानी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, थोड़ा सा पानी मैंने डाला। पानी डाल के अच्छे से मसाले की भुनाई करूंगा और पानी को सुखाऊंगा। जी दोस्तों, मसाला मैंने बना लिया, आप देख सकते हैं पानी भी सूख गया माशाल्लाह। क्या मसाले से ऑयल अलग अलग हो रहा है, ठीक है। अब डालेंगे मसर जो मैंने उबाइल किए थे, मसर डालेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी दोस्तों, मसर को अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे अंदर, ठीक है। मिक्स करने के बाद इसको थोड़ी देर मैं दम पे लगा दूंगा 5-10 मिनट के लिए, क्योंकि मसर हमारे बन चुके थे। 5 मिनट के लिए इसको हल्की आंच पे पकाऊंगा। जी दोस्तों, अब बनाएंगे तड़का। तड़का कैसे बनाना है, कुकिंग ऑयल डालेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, कुकिंग ऑयल गर्म होने तक वेट करते हैं। जी दोस्तों, कुकिंग ऑयल गर्म हो गया, अब डालेंगे 1 चम्मच ज़ीरा, अदरक लहसुन, सॉरी लहसुन मैंने काटा है, लहसुन डालेंगे। आपको जितना चाहिए वो आप डाल सकते हैं। लहसुन डालने के बाद डालेंगे
लाल मिर्ची खड़ी वाली और अच्छे से मिक्स करेंगे, तड़का बना कर डालेंगे। जी दोस्तों, लहसुन का हमारा तड़का तैयार हो गया, अब डालेंगे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ओके, अब चूल्हा बंद कर देंगे, दाल हमारी तैयार है और खाने के टाइम मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आप देख सकते हैं हमारे मसल कितने मज़ेकर और कितने टेस्टी बने हैं, आपका इसका मुखरे से अंदाज़ा लगा सकते हैं। माशाल्लाह, आप भी ऐसे ट्राई कीजिएगा, इंशाल्लाह ऐसे ही बनेंगे। अल्लाह ताला आपके और हमारे रिज़्क में इजाफ़ा फरमाए, आमीन सुमा आमीन। साथ है आलू का चोखा है हमारे पास, चिकन फ्राई है, साथ रोटी है। आप भी ज़रूर ऐसे ट्राई कीजिएगा, इंशाल्लाह अच्छा बनेगा। जी अजी भाई, कैसा बना? माशाल्लाह, टेस्ट जबरदस्त जबरदस्त। अजी वर्दी भाई, बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया। इमरान भाई, कैसा बना? आपने कहा था अभी लाजवाब। चले, ओके, अल्लाह हाफिज़, मुझे दें इजाज़त। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखना और मेरे इस चैनल का भी ख्याल रखना, लाजमी सब्सक्राइब करवाना और करना, ठीक है? ओके, अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं कल एक नई वीडियो के साथ इंशाल्लाह।